राम राम बहनों, आज मैं आपको सूटों की वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी कि स्कैमर कैसे स्कैम करते हैं, मतलब एक फ्रॉड करना चाहे कर ले। तो आपके आगे मैं थोड़ा शेयर कर रही हूँ, जिससे कि सारे के सारे थोड़े अवेयर हो जाएं। जूम करके दिखा दो एक बार। कल भैया के नंबर से व्हाट्सअप आया सूटों के लिए, और ये वीडियो भी भेजी उसने, देखो इस सूट के लिए और इसके लिए, मतलब स्क्रीन शॉट भेज दिया और अवेलेबल है। तो मैंने कहा हाँ जी, तो उसने प्राइस पूछा, मैंने प्राइस बता दिया, सब मेंशन कर दिया, ठीक है। तो उसने बोला कि ऑर्डर बुक कर दो और पेमेंट नंबर बता दो, तो भी मैंने पेमेंट नंबर डाल दिया। वैसे तो दे देते हैं वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया उसको। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये पेमेंट नंबर डालते ही तुरंत ये देखो गूगल पे पर ये भेजा ज्योति शर्मा के नाम से 4850 रुपये। हालांकि सूटों का प्राइस था 600 और 1550 रुपये। और जैसे ही उसने ये भेजा ना, तुरंत भेजते ही फिर उसने सारा डिलीट कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट, उसने सारे मैसेज ये डिलीट कर दिए। अगर मुझे पता होता ना इतना जल्दी डिलीट करेगा, तो मैं सारे स्क्रीनशॉट ले लेती। तो उसने बहुत सारी इमोजी भेजी, रोने की इमोजी भेजी जैसे, और प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैंने कहा भी ठीक है, मैंने मैसेज भी किया उसको, डोंट वरी, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, और मैं आपको अगर पैसे आए होंगे ज़्यादा तो मैं डाल दूँगी वापस। तो उसके बाद कंटिन्यू मिस कॉल करता रहा इस पर, सारा व्हाट्सएप पे ही करता रहा उसने, मतलब वैसे कॉल नहीं किया। तो भाई मैंने बोला भाई थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, अगर आपकी आई होगी तो शाम तक आपकी पेमेंट वापस करवा दूँगी मैं। तो मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ तो देख लिया जाके, यहाँ तो मैंने देख लिया उसका, ये गूगल पे पे भी देखा ऐसा भेज रखा उसने पूरा, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट भेजा, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट तो भेजा ही, लेकिन गूगल पे पे आया हुआ है ये वाला सारा गूगल पे पे आया हुआ है, फेक पेमेंट का इन्होंने गूगल पे पे भेज दिया ये। तो भाई मैं वेट करने लगी कि चलो अभी बेटा आ जाएगा, मैं ऐसी जैसे उसने फेक भेजी, क्योंकि मैंने चेक कर लिया था अपना बैलेंस वगैरह सब कुछ, सारा लास्ट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह सब चेक कर लिया था, उसमें थी नहीं पेमेंट। तो बेटा आ गया, तो मैं बोली भैया ऐसे ही बना के भेज देगा। तो इतने में उनका फिर से फ़ोन आ गया। तो जैसे उनका फ़ोन आया तो बेटा बोला कितने पेमेंट डाल लिया आपने, बोले 4850 रुपये डाल लिया। तो बेटा बोला ठीक है, आपने 4850 डाल लिया ना, मैं आपको 10000 रुपये डाल देता हूँ अभी। तो भाई इतनी कहते ही वो बोले कि जी भैया करके, मैंने कहा साइलेंट की रिपोर्ट करवा। तो तभी तो उन्होंने मतलब जस्ट एक दो सेकेंड के अंदर ही सारे तो मैसेज डिलीट कर दिए उन्होंने, और फिर उसके बाद नंबर ब्लॉक। तो आप सभी को ये वीडियो दिखाने का सिर्फ यही मोटिव मेरा कि सभी थोड़े अवेयर रहे। बहुत सारी बहनें सूट बेचती, हमारा तो चलो फिर भी ऑनलाइन कम ही है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा, उन बहनों के लिए भी और सभी के लिए भी जो भाई गूगल पे फ़ोनपे वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस तरह के जितने भी फ्रॉड हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह की कोई चीज़ बेचता है, तो सबसे पहले उसको अच्छे से चेक करो, देखो, तुरंत एक्शन मत लो, धीरे से बोलो भाई देखेंगे, चेक करेंगे, फिर करेंगे। तो भाई अगर आपको थोड़ी बहुत लगा हो कि वीडियो में कुछ मतलब आपकी हेल्प हो सकती है, आप थोड़े अवेयर हो जाएंगे, तो भाई देख लेना और अपना सोच समझ के करना जो भी करना है। थैंक यू।